हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाने वाले हैं वेज मेयो सैलेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया है एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, दो बारीक कटे हुए टमाटर और बॉइल्ड कॉर्न। अगर और भी कोई ऑप्शन आपको अच्छा लगता है, जैसे कि आपको गाजर डालना पसंद है, गाजर पसंद है, तो आप उसे भी बारीक काट कर इन सब्जियों के साथ ऐड कर सकते हैं। अब हमारा जो इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है वो है मेयोनीज। सो यहाँ पे मैंने डॉक्टर ओटकर का वेज मेयोनीज यूज़ किया है जो कि एगलेस है। मैं वो यहाँ पे डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने 2-3 चम्मच मेयोनीज तो यूज़ किया हुआ ही है, बड़े चम्मच जो कि है। आगे से भी अगर मुझे लगता है कि और ज़्यादा मेयोनीज की ज़रूरत है तो मैं आगे से भी ऐड कर लूँगी। अब जाएगा इसमें हमारा स्वाद अनुसार नमक, फिर एक बड़ा चम्मच हम इसमें ओरिगैनो ऐड कर लेंगे और एक बड़ा चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने आधा चम्मच शेजवान चटनी भी यूज़ की हुई है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को ठीक से मिला लेंगे। दोस्तों वैसे तो हमारा सैलेड बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, बट मुझे यहाँ पे थोड़े और मेयोनीज की ज़रूरत लग रही है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा और मेयोनीज इसके अंदर डाल लूँगी। और वापस से हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 बड़े चम्मच जितना टोमेटो केचप। तो चलिए अभी हमारा फाइनल मिक्स है, हमें इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारा वेज मेयो सैलेड तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा वेज मेयो सैलेड बनके तैयार है। आप ज़रूर से इसे घर पे ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। अगले वीडियो में मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।